नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। आज हम बनाए चौलाई का साग, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, काफ़ी जल्दी बन जाता है। इसके पत्ते छोटे छोटे हैं। इसको लाल वाली चौलाई मैंने बनाई है, आप उसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। मैंने लिया है एक बड़ी चम्मच तेल, आप चाहें तो कम भी यूज़ कर सकती हैं और ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हींग, हींग के साथ डालेंगे जीरा एक छोटी चम्मच। मैंने ली है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च 4 से 5 से 6, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने लहसुन डाला सबसे पहले, आप चाहें तो लहसुन प्याज को अवॉइड भी कर सकती हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। लहसुन हमारा भुन चुका है, डालेंगे हरी प्याज। मैंने हरी मिर्च प्याज के साथ ही भून लेंगे, जिससे कि अच्छे से भुन जाए, दोनों तीनों चीज अच्छे से भून जाए। और मैं इसमें किसी मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ, हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, शरीर के लिए, इसलिए मैं हल्दी का ही यूज़ करूँगी। प्याज हमारी भुन चुकी है, और इसमें जो हमने पत्ते हैं चौलाई की साग है उसको डाल देंगे, हमने काट के नहीं डाला है। आप चाहें तो काट के भी बना सकती हैं। गैस को धीमे कर दे, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साग हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए अच्छे से मिला लिया है। अब हम आँच को थोड़ा तेज कर देंगे। हाई फ्लेम कर दिया हमने गैस को। इसमें हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, साथ ही मैं नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने एक छोटी चम्मच डाला है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इस तरीके की प्लेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके की प्लेट इसलिए इस पर ही कि अच्छे से ढक जाए, पानी भी ना छोड़े। इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। हम अपने साग को चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा साग बनके रेडी है। इसको हमने मीडियम हाथ, थोड़ा सा मीडियम पर पकाया है, मैंने हाई फ्लेम कर दिया था, इसको अच्छे से कल्हाल लिया है। और देखिए हमारा साग बनके रेडी है, अब इसको गैस कर देते हैं ऑफ। देखिए हमारी साग बनके रेडी है, और इसको हम भाजी भी बोलते हैं, बाउल में सर्व करते हैं। और इतनी जल्दी बन जाती है कि आप बच्चों के लंच में, बच्चों के लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में आप उनको दीजिए, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। देखिए हमारा साग बन के रेडी है, आप इसको बच्चों को जरूर खिलाएं, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आप इसको पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल, दाल इसके साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख कर बताएं कि इस चीज़ में क्या कमी है, उसको हम दोबारा से इसको हम ठीक करेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।